5:45 हो चुका है, सुबह होने को है। तो अजान हुआ तो मुझे उठा दिया और बोला कि अभी सो नहीं सकता। तो मैं उठ के बाहर आ गया, अपना बड़ा वाला बैग वहीं पे अभी रखा हूँ, नमाज हो जाने के बाद फिर वो भी लेके चला जाऊँगा, सनराइज देखने जाएंगे ऊपर अगर जाने दिया तो। अभी तो टाइम है 10-15 मिनट वेट करते हैं फिर जाएंगे। तो एज़ यूजुअल अपना टैगलाइन से शुरू करते हैं। हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, वेलकम टू माई चैनल। चलते हैं। अरे भाई देखो कितने छोटे बच्चे नमाज पढ़ने जा रहे हैं। हाय बोलो। हेलो हेलो, हाय बोलो। भाई आया तो था यहाँ पे सनराइज देखने के लिए, बट इतना बादल छाया हुआ है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लिटरली भाई कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो अभी सोच रहे हैं कि थोड़ा वेट करते हैं फिर यहाँ से निकल जाएंगे हम। ये देखो भाई पूरा बादल छाया हुआ है। ऊपर आने के बाद सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। सोच रहा हूँ कि बीजापुर जाऊँ कि नहीं जाऊँ, फिर अभी देखता हूँ, अगर हो सके तो आज बीजापुर जा सकता हूँ, वरना फिर वहाँ से कैंसिल करके डायरेक्ट बिदार जा सकता हूँ, वो ठीक नहीं है। अभी भाई कुछ दिखाई नहीं दिया तो अभी चलते हैं यहाँ से, और ऑलमोस्ट 7 बज चुका है। मुझे फिर बीजापुर भी जाना है, पट्टदकल सॉरी यार मैं नाम थोड़ा प्रोनाउंसिएशन बहुत डिफ़िकल्ट लगता है मुझे, बट कोई बात नहीं, पट्टदकल जाएंगे। यहाँ से ऑलमोस्ट 18 किलोमीटर दूर है, तो लिफ्ट मिल जाएगा इजीली, टेंशन नहीं है क्योंकि अभी बहुत सारे लोग उधर काम करने जाते हैं। फिर उसके बाद मुझे बीजापुर भी निकलना है, तो चलते हैं। पट्टदकल किसका है? भाई मुझे कनाडा नहीं आता, भैया को हिंदी नहीं आता। चलो कोई बात नहीं, इधर से थैंक यू। लिफ्ट मिलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, बट कोई बात नहीं, थोड़ा आगे पैदल चलते हैं क्योंकि यह बस स्टैंड है, तो इसी वजह से थोड़ा ऑटो स्टैंड भी है बस स्टैंड भी है, तो दोनों एक ही साथ है, तो यहाँ पे लिफ्ट मिलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। फिर आगे जाएंगे तो इजीली मिल सकता है, पहले बोर्ड निकालना होगा। भाई फाइनली लिफ्ट मिल चुका है, डायरेक्ट लिफ्ट पट्टदकल के लिए, तो थैंक यू ना। चलो चलते हैं। अन्ना ने मुझे यहाँ पे छोड़ दिया और बोल रहा है कि यहाँ पे मुझे कुछ काम है, 3 या 4 किलोमीटर बचा है शायद, दूसरा लिफ्ट ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो भाई ने लिफ्ट दे दिया यार, चलते हैं यहाँ से और पहले जाएंगे, क्या नाम बोला भैया? महाकुट। तो चलते हैं। तो भाई पहुंच चुके हैं महाकुटा और भाई ने मुझे यहाँ पे छोड़ा। भाई भी एक ट्रैवलर मतलब पढ़ना चाहता है या फिर थोड़ा मोड़ा ट्रैवल करते हैं, तो भाई ने बोला कि चलो मैं तुम्हें घुमाता हूँ। यहाँ पे अभी भी पूजा होता है, जैसे कि वहाँ पे नहीं होता है, बदामी में कहीं पर भी पूजा नहीं होता, मतलब मीन्स बंद है, मंदिर सब बंद कर दिया।
मंगलेश चालुक्य डायनेस्टी आई थिंक यू नो अबाउट चालुक्य डायनेस्टी This is a pawn. Yeah. There are actually two pawns out there. This is a smaller one and another is inside. It actually called as Kasi Tirka. Kasi Tirka? Yeah. Yeah, many of the people think like that. This water came from Kasi only. And okay. Also, this place is also popular as Dakshina Kasi. Do you know Kashi? I know. Yeah. This place in our South Karnataka known as Dakshina Kashi. क्या मैं नहा सकता हूँ यहाँ पे? Sorry. मैं नहा सकता हूँ? Yeah. अभी हम नहाएंगे इस पॉन्ड पे क्योंकि 3-4 दिनों से मैं नहाया नहीं तो देखते हैं और फोन को मैं अंदर लेके जा नहीं सकता तो नहाने के बाद डायरेक्ट मिलते हैं और भाई ने बहुत अच्छा चीज दिखा दिया मुझे यहाँ पे से निकलते हैं अभी यहाँ से जाएंगे हम पडक्कल एक भी गाड़ियाँ नजर नहीं आ रहा यार फाइनली भाई लिफ्ट मिल चुका है कल सीधा जाना है और ओल्ड महाकुटा हम जो घूम के आए अभी बहुत कम गाड़ियाँ चल रहा है यार ऑलमोस्ट 10:30 बजने को है फिर मैं यहाँ से बीजापुर नहीं तो हम भी चला जाऊँगा नहीं तो हाँ कन्नडा बोल रहा हिंदी हिंदी वो कोई क्या है माइक है माइक माइक हाँ पहुंच चुका हूँ सामने कुछ मंदिर दिखाई दे रहा है तो ये परमिशन तो दे दिया बट वीडियो करने का परमिशन नहीं दिया बोला कि यहाँ पे परमिशन नहीं है 25 rupees को पे करना ही पड़ेगा तभी वीडियो अलाउड कर सकते हैं अगर ऐसा नहीं करता है हाँ चलते हैं अंदर अगर होगा तो दिखा देंगे नहीं होगा तो फिर ऐसे बाहर से दिखा देंगे और देख के आ जाएंगे हम वेस्ट बंगाल थैंक यू ना भाई क्या खूबसूरत लग रहा है यार चलो देख के आते हैं जल्दी जल्दी फिर निकलना है यहाँ से यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं ऐसा नहीं है कि टूरिस्ट नहीं आते हैं और बहुत वेल मेंटेन किया हुआ है इस जगह को पुराने जमाने के जो मंदिरें बनाया गया है वो आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी बना नहीं सकता सोचो उन लोगों का कितना ज़्यादा बुद्धि और आर्किटेक्चर में कितना ज़्यादा आगे था हमारे से जैसे कि मैं बादामी में गया था तो वहाँ पे मंदिरों में शिवलिंग नहीं था बट यहाँ के मंदिरों में भाई शिवलिंग है और महाकोटा में भी देखा वहाँ पे तो पूजा होता है लेकिन बादामी में पूजा ना कोई मंदिर में ना कोई मूर्तियाँ है सिर्फ एक ही मंदिर में देखा था कि मूर्तियाँ हैं फिर वहाँ पे भी लेकिन वहाँ पे भी
कोई पूजा नहीं होता। और ये सब जो देख पा रहे हैं ये भी छोटे छोटे मंदिर थे पहले, अभी सब कुछ टूट चुका है। ये जो देख रहे हैं ये सबसे बड़ा मंदिर है और उसके बाद ये वाला। अंदर चलते हैं देखते हैं और फिर यहाँ से निकल जाएंगे हम लोग बीजापुर के लिए। इधर से तो गेट बंद है, उधर से घूम के जाना होगा शायद। लगता है यहाँ पे पूजा भी होता है शायद, यहाँ पे पूजा भी होता है यार। ऑफिस रूम से अपना बैग उठाते हैं और चलते हैं। यहाँ पे रुक कर कोई फायदा नहीं है, ऑलमोस्ट कंप्लीट देख लिया मैं तो। भाई चलते हैं यहाँ से, फ़ोन में भी चार्ज बहुत कम है तो अगर हो सके तो चार्ज में गिना होगा यार, क्योंकि लिटरली भाई मैं सो गया था यार फोन तो फुल चार्ज हो चुका है भाई, बोर्ड ही भूल गया था मैं दुकान में, फिर वापस आना पड़ा और बॉटल भी भूल गया था। इसी रोड से तो जाना है बट लिफ्ट मिलना थोड़ा मुश्किल होता क्योंकि ऑलमोस्ट एक बज चुका है, तो अभी लोग ज़्यादा लंच करने जाते हैं, तो देखते हैं मिलेगा तो चले जाएंगे, नहीं तो आहिस्ता आहिस्ता पैदल चलते रहेंगे।